मुझे जाने दीजिए आज भी। पहले सच बताओ, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है ना? मैं नहीं बोलूंगी, और मुझे जाने नहीं दिया ना तो मैं चिल्लाऊंगी। तो फिर चिल्लाओ। आप खुद भी तो समझ सकते हैं ना। समझ तो मैं गया, लेकिन अब सुनना चाहता तुमसे। कहो ना। मैं नहीं बोलूंगी। पक्का? पक्का। तो फिर ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ तुम अपना व्रत कैसे खोलती हो। मेरे हाथ से खाए बिना तुम्हारा व्रत खुलेगा नहीं, तुम भूखी रह जाओगी। सोच लो, चॉइस इज योर्स मनप्रीत सिंह ढिल्लों। ठीक है, मेरा नाम भी प्रीतो है, और बाबा जी पे भरोसा करके मैंने ये व्रत किया है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे मेरा व्रत आपके हाथ से नहीं खुलता। समझे मिस्टर राजवीर सिंह? ओ भाई, ये क्या हो रहा है? पंजाबियों का घर और वो भी शादी वाला, और कोई गाना बजाना नहीं। और प्रीतु, ये क्या बात हुई? हर शादी में तो धमाल मचाती है, और अपनी बहन का पहला करवा चौथ है और कुछ भी नहीं। और ये क्या, तूने अपना चेहरा छुआरे जैसा क्यों बनाया हुआ है? क्या बात है, कहीं तूने भी कोई व्रत शर्त तो नहीं रखा हुआ? नहीं मामी जी, मैंने व्रत तो नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है आपको बहुत भूख लग रही है। बड़े छुआरे छुआरे याद आ रहे हैं आपको। अच्छा चल ठीक है फिर, अब हो जा शुरू फिर। हाँ प्रीतो, शुरू हो जा, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगी। और अगर मैं शुरू हो गई ना, ये छत यहीं गिर जानी और चांद सबको यहीं से दिख जाएगा। हाँ प्रीतो, सब लोग इतना बोल रहे हैं तो तू भी नाच के कुछ बोल देना।
सब लोग पूजा कर रहे हैं, तुम नहीं करोगे? मैं क्यों करूंगी, मैंने कोई व्रत थोड़ी ना रखा है। क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो? सो ऑब्वियस तुमने व्रत रखा है। ऑब्वियस तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग अपने मुंह से कहते ही नहीं है। हाँ, रेडियो का सहारा जरूर ले लेते हैं। वैसे तुम्हारा पेट कैसा है? आई मीन भूखा तो तुम्हें शायद कल भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आज तो तुम्हारा व्रत खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। व्रत तो मेरा आज ही खुलेगा, वो भी ये बताए बिना कि मैंने व्रत आप ही के लिए रखा था राजवीर जी। प्रीतो क्या हुआ? हाँ प्रीतो, क्या हुआ? प्रीतो पकड़ पुत्र, प्रीतो पुत्र क्या हुआ तुझे? अरे ये तो बेहोश हो गई। आंखें खोलो प्रीतो। अरे कोई पानी तो दो। हाँ पानी दे। ये लो पानी। प्रीतो आंखें खोलो। ये लो। तू ठीक है ना प्रीतो? पीछे वो थोड़ा चक्कर आ गया था, अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ा आराम कर ले। जा आराम कर ले तू, जा पुत्र। पीछे वो चक्कर आ रहा है अभी। मैं इसे अंदर छोड़ कर आता, कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए। क्यों प्रीतो? हाँ जा पुत्र। तुम ना कसम से बहुत फिल्मी हो। हाँ हूँ तो। अच्छा बताओ ना, तुमने व्रत रखा है ना? व्रत? मैंने नहीं रखा। सच बताओ। नहीं रखा। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, कहीं फिर से बेहोश होगी तो? नहीं नहीं मैं बेहोश नहीं होंगी, मैं तबीयत एकदम ठीक है। देखो उतारो, कोई देख लेगा। नहीं। अरे मैं कह रही हूँ मुझे उतार। नहीं वो मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे बताती नहीं कि तुमने व्रत रखा है या नहीं। बता। नहीं। ठीक है तो मेरी भी तरफ से ना है, मैं अभी तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। अरे बता। रखा है। किसके लिए? अपने होने वाले पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी सलामती के लिए। ओ, उस फॉरेन रिटर्न कुणाल के लिए रखा है। उतारो नीचे, उतारो मुझे नीचे। तेरा व्रत नहीं होता ना तो गला दबाते थे। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो वहां एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मैं कहीं सचमुच बेहोश ना हो जाऊं। क्या हो गया? जब से मुझे पता चला कि तुमने व्रत रखा, मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ चाय पी थी, लेकिन तभी पता नहीं था। और व्रत क्यों रखा है? अपनी पत्नी की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए। कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? मत बताओ। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि कब तक अपने दिल की बात छुपाते हो आप मुझसे। कुछ कहा तुम? नहीं मत बताओ, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में। ठीक है कुछ ले आती हूँ खाने के लिए। तुम्हारा पहला करवा चौथ है, गिफ्ट तो लेती जाओ। रंग ही रंग थे निगाहों में जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में।
तुमको हर आन मेहर तो दी पानी इसे भी अभी फंसना था। किसकी बात कर रही हो, खुद की या चुन्नी की? चुन्नी की बात कर रही हूँ। अरे निकालो ना इसे। रहने दो। क्या रहने दो? कैसी है दी तू, आप ठीक है ना? तबीयत अभी ठीक है। अच्छा अगर तू ठीक है ना तो फिर चलना, मेरी थोड़ी मदद कर दे। एक्चुअली क्या है ना, बीजी ने खाने के लिए टेबल लगाने के लिए कहा है, तो बस मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ चलना। चल। मैं भी चलूँ? नहीं नहीं आप आराम करो। हाँ क्यों, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तू चल। बानी मैंने तुझे बोला था ना मेज लगाने के लिए, तूने आगे से प्रीतो को बोल दिया। पता है उसकी तबीयत खराब है। प्रीतो तू छोड़, बैठ तू, रहने दे। नहीं नहीं बीजी अभी मैं एकदम ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ है? आ रहे हैं बस। तू अरे भूखे मारे मुझे तो लगता है मुझे चक्कर आ जाएगा, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा। हाँ तो तू बैठ ना, आप लोग भी बैठो। चलो बीजी आप बैठो। आंटी जी एक बात बताइए, प्रीतो की तबीयत सुबह से इतनी खराब है तो आपने उसे काम पर आने क्यों दिया? सुबह से नहीं पुत्र, सुबह तो अच्छी पली थी वो। नहीं नहीं आंटी जी, प्रीतो का पेट सुबह से बहुत खराब है, बिचारी का पूरा दिन यूनिट से वॉशरूम और वॉशरूम से यूनिट के चक्कर लगाने में चला गया। क्या खाया था तुमने वैसा? सुबह तो उसने गोभी के पराठे खाए थे और दोपहर में मैंने साग और गोभी के पराठे दिए थे। बाजार में गोलगप्पे खा लिए होंगे इसने। हाँ गोल गप्पे नहीं मामी जी, इसने जरूर बाहर बर्फ के रबड़ी वाले गोले खाए होंगे। थोड़ा तो अपना सेहत का ध्यान रखा करो ना, तुम्हें पता है रबड़ी के गोलों में कितनी कैलोरी। बीजी मैं एकदम ठीक हूँ अभी, मैं खाना खा लेती हूँ ना बीजी तो मैं। ऐसा तुम्हें लगता है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। आंटी जी मैं तो कहता हूँ इसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए, इसलिए इसे रात भर कुछ नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं खाना चाहिए का क्या मतलब है? सुबह से मैंने वही सुबह से उल्टा सीधा खाके इसकी तबीयत खराब हो गई। राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है पुत्र। हाँ मैंने तो वो माँ की दाल बनाई है मक्खन मार के, वो तो तुझे भारी हो जाएगी ना, इसलिए ना तू रहने ही दे प्रीतो। नहीं बीजी मेरे को थोड़ा सा खाने दो ना, देखो मीता दी ने कितने प्यार से दाल बनाई है, वो दाल तो खानी बनती है ना थोड़ी सी। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो एक काम करते हैं आंटी जी, इसे घी का जूस दे दें, पेट भी भर जाएगा और तबीयत भी ठीक रहेगी। हाँ पुत्र ये बिल्कुल ठीक कहा तूने, घी का जूस ही ठीक रहेगा। ठहर मैं लेकर आती हूँ। बीजी थोड़ा सा खा लेती हूँ ना। ना पुत्र अभी कुछ नहीं खाना, घी का जूस पी बस। आप लोग लो मैं आई हूँ। चलो यार खाना खाओ चलो। ये लड़का आके पता नहीं किस टाइप का, मैं खाना खाने लगी थी ऐसे उठा दिया मुझे, मतलब पहले आके कंगन बना दिया और फिर ये। यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है, जब भूख से मर जाऊंगी ना तब पता चल जाएगा। मैं यहाँ बैठ के घी का जूस पीऊंगी और वो वहां बैठ के आराम से मटर पनीर दाल मखनी घी का स्वाद लेंगे। ले पुत्र अब तू आराम से खा। नहीं आंटी जी मैं थोड़ी देर बाद खाता हूँ। बाद में कब, सब साथ बैठे खा ले। थोड़ी देर में खाता हूँ, आप हाथ धोकर। ठीक है चल आप खाइए। भाई तू तो खाना खा ले।
शर्ट पे दाग कैसे लगे? ये वो पता नहीं। हाँ ये तो मेहंदी का दाग है तुम्हारी शर्ट पर। अच्छा मेहंदी का है, पता ही नहीं था। इश्मित वो प्रीतो जानती हूँ, व्रत रखा है ना आज उसने तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है? मैं चुपके से उसके लिए एक प्लेट बना रही हूँ, तुम ऊपर जाके उसे खिला देना। व्रत खोलना है ना। कटोरी चम्मच की आवाज यहाँ तक आ रही है, धीरे नहीं रख सकते हो बर्तन? खाने की खुशबू ने मेरे नाक में दम करके रखा है। अच्छा मुझे तो लगा था तुम्हारे नाक में दम सिर्फ नहीं करता। आप कौन सा देसी नुस्खा लेकर आया मेरे पेट दर्द के लिए? नहीं नहीं कोई नहीं, मेरे ख्याल से पेट में दर्द अब मेरे शुरू हो जाएगा। बहुत खा लिया, खाना बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी। पता है तब से खाने की खुशबू ही सूंघ रही हूँ। मुझे नहीं खाना। तुम्हें किसने कहा है खाने के लिए? तुम्हें पानी मैंने पिलाया, खाना भी मैं ही खिलाऊंगा। लाके हो गया और तो खिलाओ। शगुन हो गया ना, अब सेल्फ सर्विस। बाद में बात करूंगी, पहले खा लेती हूँ, स्टेमिना भी आएगा। हाय मिता जी, क्या दाल बनाई है आप भी ना? खुद तो टूस लिया होगा आपने, उसके बाद याद आई होगी मेरे। तेरे बाजों लगदा जी।